हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी मैं छत में घूम रही हूँ और आधी तमन्ना सो रखी है। अब मैं नीचे जाऊँगी और उनको उठाऊँगी और उसके बाद स्कूल भेजूँगी। अभी मैंने नीचे नाश्ता उस्ता कुछ नहीं बनाया, अब नीचे जाके मुझे नाश्ता बनाना है आधी तमन्ना के लिए। देखना सुंदर से फूल लगे छत में। चलो नीचे चलते हैं और नाश्ता बनाएंगे। धूप भी आ गई। आदि और तमन्ना दोनों उठ गए हैं और आदि ने नहा लिया। मैं आदि और तमन्ना के लिए सीमिया बना रही हूँ आज स्कूल के लिए, क्योंकि ना तमन्ना के पूरे मुंह में छाले हो रखे हैं और तमन्ना ना खा नहीं पा रही है, बिल्कुल भी नहीं खाना। आज तमन्ना और आदि ना सीमिया ही ले जाएंगे। आदि के लिए बोला मैंने, तू रोटी ले जा। आदि ने बोला नहीं, मुझे भी नहीं ले जानी रोटी। तमन्ना तो बिल्कुल ही नहीं खा पा रही। हेलो, नमस्ते। अभी ना मम्मी मेरे बाल बांध रही है और आदि भी स्कूल चला गया है। अब मैं जाऊंगी और ना मेरे मुँह पे ना बहुत ज़्यादा छाले हो रखे हैं, जिससे ना मुझे मीठा भी नहीं खाया जा रहा, मतलब हल्का हल्का खा तो जा रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि सीना ही बना दे, तो मम्मी ने मेरे सीना बना दी स्कूल। आदि तो चला गया स्कूल। मैं अब तमन्ना को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल और आके बनाऊंगी नाश्ता। तो चलो चलते हैं स्कूल। चलो मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलते हैं स्कूल और फिर मिलूंगी मैं आपको स्कूल से आके। आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ तमन्ना के पापा के लिए और अपने लिए, और आदि और तमन्ना सेमिया ले गए थे स्कूल। तो चलो बनाते हैं बैंगन का भरता, देखते हैं कैसे कैसे बनता है। जो मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ इसको मैं गैस में नहीं पका रही, इसको मैं सीटी लगाऊंगी प्रेशर कुकर में एक, और उसके बाद बनाऊंगी। छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है मैंने बैंगन, देखना बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कीड़े उड़े कुछ नहीं लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको मैं प्रेशर कुकर में रख रही हूँ, एक सीटी में हो जाएंगे और तब तक ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो इसमें एक सीटी लगा देनी है, थोड़ा सा पानी डालना है। वैसे बैंगन का भरता तो तभी अच्छा होता है जैसे गैस में पकाए, पर ये तरीका भी सही है। तो अब मैं इनके ऊपर के सारे छिलके निकालूंगी। तो देखना आसानी से आ जा रहे हैं छिलके, ये देखना सारे छिलके निकाल दिए। तो फोन मैंने ना गैस के ऊपर रखा है क्योंकि तमन्ना के पापा ना रहे हैं, उनको भी लेट हो रहा है। तो मैंने सारे छिलके निकाल दिए और आसानी से आ भी गए छिलके। तो इसे पहले सही से मिक्स कर देना है ऐसे करके। ये मैंने सरसों रख दिया, इसमें प्याज थोड़ा ना कच्चा रहेगा तो सही रहेगा। ये मैंने टमाटर डाल दिया सरसों। तो मैंने इसमें मिर्च हल्दी और मसाला सारा रख दिया है। बैंगन की भरती की ग्रेवी रख दिया। आदि या तमन्ना ना वैसे बैंगन नहीं खाते जैसे हम काट के बनाते हैं, और ऐसे वाले ना खा लेते हैं, वो समझते हैं कद्दू की सब्जी है। तो बनने वाला है हमारा बैंगन का भरता, और जल्दीबाजी में पता नहीं कैसा बन रखा है क्योंकि ये बोल रहे मेरे को लेट हो रहा है। के ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। बैगन का भरता कैसा बनाया है वो तो खाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं ऑफिस में खाऊंगा। अभी सेमिया खाई मैंने तो वो अच्छी बनी हुई थी, मैंने जल्दीबाजी में बनाया तो आप पता चलेगा, मैं जाके पता चलेगा कैसा बन रखा है। अभी इन्होंने चखा भी नहीं, तो लग रहा है नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया ऑफिस। बाय।
तो तमन्ना और भी चले गए स्कूल और तमन्ना के पापा भी चले गए ड्यूटी। तो थोड़ा मैं 5 मिनट बैठूंगी और उसके बाद घर का काम करूंगी, क्योंकि सुबह से ना भाग दौड़ हो जाती है। तो जब सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं उसके बाद देखना किचन की कैसी हालत हुई रहती है, कहाँ डब्बा रखा है, कहाँ मिर्च मसालों का डब्बा रखा है जल्दीबाजी में, और देखना बर्तन। तो जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। ये हर घर की कहानी है, सबके किचन कैसे हाल हुए रहते हैं सुबह सुबह। तो चलो करते हैं सफाई, और आप लोग भी कीजिए सफाई। अब मैंने घर का सारा काम कर लिया है और मैं अब आदि और तमन्ना को लेने जा रही हूँ। चलो चलते हैं आदि और तमन्ना के लिए। आदि को ले आई हूँ मैं स्कूल से, अब मैं तमन्ना के स्कूल में जाऊंगी सीधे। अभी हम आ गए घर और ये देखो हमारी पसीने से हालत क्या हो गई है। बहुत बुरी हालत हो रही है गर्मी से बाहर। मैं तो नहाऊंगा। तो मैं तमन्ना वालों के लिए अब खाना बना रही हूँ। वैसे तो सुबह की सब्जी भी है और आटा भी बच रखा है, रोटी बना दूंगी आधा। मेरे ना मुंह में ना पूरे छाले हो रखे हैं, मैं इसे ना ज्यादा बोला नहीं जा रहा, ना ही खाया जा रहा है। ये देखो इधर पूरे छाले हो रखे हैं, यहाँ पे भी हो रखे हैं। मेरे से ना ही कुछ खाया जा रहा है, ना ही कुछ बोला जा रहा है। मम्मी ना पहले हमारे लिए ब्रेड की खीर बना रही थी, पर मैंने बोला कि कल भी हमने खीर ही खाई, तो आज बन मतलब मेरे लिए ब्रेड सेक दे और मैं दूध के साथ खा लूँगी। वैसे ना ब्रेड की खीर बहुत अच्छी होती है। मम्मी ने ना मेरे लिए बन गर्म कर दिए, और ना दीदी ने भी ना रायता और चावल दे रखे हैं भुने हुए, पर ना मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे मुझे तो अच्छे लगते हैं बहुत, पर मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि ना मुंह पे लग रहा है बिल्कुल, मिर्च लग रही है। मेरे ना मम्मी दूध और बन लाई है ना, अब आदि कह रहा है मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी दूध और बंद ही खाऊंगा। मम्मी ने कहा कि तू रायता खा ले, भुने हुए चावल खा ले, बोल रहा है नहीं मैं भी दूध और बंद ही खाऊंगा। तो चलो आप लोग भी खा लीजिए और हम भी खाते हैं खाना। चलो अब हम भी खाना खाते हैं और आप लोग भी खा लीजिए खाना। अभी ना हमने खाना खाया और ना आदि ना फोन देख रहा था चार्ज पे लगा के। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने चार्जर निकाला और बोला अब सो जा, टाइम हो गया सोने का। आदि ने बोला नहीं मैं तो नहीं सो रहा, और आदि ने मम्मी को ना गुस्सा दिला दिया। फिर ना मम्मी ने क्या किया, पकड़ा चार्जर, और ना मम्मी ने ना आदि मम्मी ने आदि को ना डरा ली थी, और मम्मी ने यूं झटका, और जो वो होता है ना एडोप्टर, वो ना सीधा खिड़की से ना सापट में गिर गया, और ना वो ना लोहे की डंडियों पर अटका हुआ है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। आदि ना मेरे को कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देता है, ये सोता ही नहीं दिन में, और चार्जर हमारा नीचे चला गया। तो चार्जर हमारा ना यहाँ जा रखा है, देखना तुम्हें दिखेगा वाइट वाइट कलर का। देखते हैं अब चार्जर निकल पाएगा या नहीं। दादी और के ना घर पे वो अटका हुआ है, और जब दादी और उठ जाएंगे ना तब हम नीचे जाएंगे और चार्जर लेके आएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर। आदि की ना आज खैर नहीं है, जो चार्जर नहीं आया मेरा तो।